गुरुदेव, जो घर में छोटे बच्चे यानी लड़के हैं, तो क्या उनका कर्ण छेदन कराना चाहिए? सामान्य रूप से समाज में छोटी बच्चियां यानी कि कन्याओं का कर्ण छेदन करवाते हैं। कर्ण छेदन का क्या महत्व है जीवन में, इस पर मार्गदर्शन करें। आपने प्रश्न का उत्तर स्वयं ही दे दिया है। बच्चियां क्यों इतनी थिर हैं? स्त्री जात, औरत जात इतनी शांत क्यों है? बहुत लिप्सा नहीं है उसको, बल्कि अगर आप देखिएगा, अगर कभी परिवार में कुछ ऐसी बात आती हो कि जहाँ मान मर्यादा की बात हो, प्रतिष्ठा की बात हो, किसी तरह के कलह क्लेश की बात हो, तो औरत सबसे पहले उठ के खड़ी होकर के बोलेगी कि इसे फूको पर है, जिस चीज़ की वजह से हमारे घर में ये अशांति पैदा हो रही है। किसी को पैसे देने तो दे के मुक्ति पाओ, अपन दो रोटी सूखी खा लेंगे पर प्यार से आराम से रहेंगे। ये सबसे पहला विचार स्त्री के मन में ही आता है। इसलिए आता है कि स्त्री का जो कर्ण छेदन है, जो उसका नाक का छेदन है, जो उसके पैरों बिछुए हैं, तो उसके बहुत सारे वो सारे कहीं ना कहीं आपके चक्रास पर बड़े गहरे ढंग से काम करते हैं। पुरुषों के लिए खास तौर से केतु और शुक्र की युतियां और मंगल, कई सारे ग्रह देखिए, कानंड कुंडल कुंचित केशा है ना, आप हनुमान जी को अगर देखते तो कानों में कुंडल है उनके, भगवान श्री राम के कान में कुंडल है, कुंडल भगवान श्री कृष्ण के कान में है। ये तो क्या हुआ, जब विदेशी आए तो वो इस टेक्निक को समझ गए कि इनको खराब कैसे कर सकते हो, उन्होंने वो सारे काम शुरू किए और ये हमारी पहचान भी हुआ करती थी, तो वो उन्होंने वो सारी चीज़ें हमारे जीवन से हटानी शुरू की जो चीज़ें हमारे जीवन को श्रेष्ठ और अच्छा बनाती थी। तो कर्ण छेदन संस्कार अपने आप में एक बड़ा संस्कार है और बहुत सारी चीज़ों को ठीक करता है। दूसरे, जिनके कान छेदे होते हैं, प्राय अनुभव ये कह रिकॉर्ड ये कहता है, रिसर्च ये कहती है कि वो ब्रेन हेमरेज वगैरह उनको नहीं होता है। कारण क्या है, कान के आसपास की जो नसें हैं वो सर्वाधिक महीन होती हैं, सूक्ष्म तंतु होते हैं। अगर कभी ब्रेन हेमरेज होता है तो हाई ब्लड प्रेशर से होता है। जब ब्लड प्रेशर ऊपर का 200 से अबव चला जाए, 200-300 के बीच में टच करने लगे, तब ब्रेन हेमरेज की घटनाओं की सूचनाएं देखने को प्राप्त होती हैं। तो जब जैसे ही ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा, वो जो कान जहाँ से छेद के सुराख बनाया हुआ है वहाँ से कान से खून बह जाएगा। तो बहुत सारी पद्धतियों में लोग ये भी करते थे तिब्बत में और बाकी जगह पर, कि अगर किसी आदमी को ऐसा दौरा पड़ा, अटैक हुआ, कुछ हुआ, तो सबसे पहले नेल कटर से या किसी ब्लेड से किसी से कान काट देते थे, छोटा सा कान काट देते थे। वो कान काटने से जो अतिरिक्त ब्लड दौड़ करके शिराओं से मस्तिष्क की तरफ जा रहा है वो कान से बह जाता था। तो नाथ परंपरा में कान फड़े, पूरा उनको तो कान फड़े ही बोलते, कान को फाड़ ही देते थे वो, जैसे हाथी के कान होते हैं वो लहराते हुए, और वो छिद्रित कान ऐसे कान हो जाते थे। बड़े बड़े कुंडल पहनते थे और कुंडलों में भी फिर वो अलग तरह के उनके आयाम होते थे, कान के कुंड, जैसे साउथ अफ्रीका की महिलाएं बड़े होठ साउथ अफ्रीका में सौंदर्य की पहचान माने जाते हैं। ऐसा मानते हैं कि जो स्त्रियां जिनके होठ बड़े हैं, मोटे होठ हैं, वो ज़्यादा सुंदर और आकर्षक होती, ऐसी उनकी मान्यता है साउथ अफ्रीका वालों की। तो वो लकड़ी के रिंग बनाते हैं और लकड़ी के रिंग वो स्त्रियां अपने होठों में फंसाती हैं, उनके 4-4, 5-5, 6-6 इंच लंबे होठ लटक जाते हैं नीचे पूरे, और वो उस तरह से उनके होठ बड़े हो जाते हैं, और वो पूरा उसका एक प्रोसीजर है। तो उसके पीछे भी यही एक तरीका था, यही पद्धतियाँ थी। ऐसी जो चाइना है, चाइना में छोटे पैर वाली स्त्रियों को शुभत्व का प्रतीक मानते हैं, तो लोहे के जूते पहना देते हैं 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की बच्ची को, उनके 4 नंबर, 3 नंबर, 3.5 नंबर, 4, जितना छोटा पैर होगा वो पैर कभी पनप ही नहीं पाते उनके। तो बहुत सारी पद्धतियों में इस तरह की चीज़ें हमारे उसमें चलती हैं, लेकिन इनके गहरे संबंध कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से स्वास्थ्य से होते हैं। बात थी कर्ण छेदन की, तो कर्ण छेदन की जो उम्र है 4 से 6 वर्ष के बीच में निश्चित की गई है, उससे पहले भी कर सकते हैं। कर्ण छेदन से कोई नुकसान नहीं होता, अच्छा होता है। पहले दिन ही केतु ठीक हो जाता है, पहले दिन ही शुक्र ठीक हो जाता है, और कई सी चीज़ें, कई सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। ये जो बहुत सारी पद्धतियाँ, कभी मैं बात करूँगा, ये जो बहुत सारे धर्मों में अलग अलग तरह से चीज़ें हुई हैं, जिनमें जैसे इस्लाम में खतना प्रक्रिया है, उस पर भी कभी मैं बताऊंगा कि क्यों है वो, बड़ी वैज्ञानिक क्रिया थी वो, गई है इज़राइल से, यहूदी लोग उसको क्या करते थे, तो वो संवेदनशीलता को बढ़ाने से और मस्तिष्क की तरफ उसके संवेग देने से वो चीज़ें उस तरह से काम करती हैं। Yeah.
जय रे।